इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग सवाल करते हैं कि फाइवर की गिग का थंबनेल या आप जिसे गिग की इमेज बोलते हैं उसका मेटा डेटा यानी कि ऑफलाइन, यानी कि हम जो फाइवर की गिग का मेटा डेटा होता है वो अलग चीज़ है, एक गिग की इमेज का मेटा डेटा होता है वो जो आपके कंप्यूटर पीसी में एडिट हुई भी पड़ी होती है उसका मेटा डेटा, उसमें कीवर्ड्स डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। उसकी ऑफलाइन इमेज की कीवर्ड के मेटा डेटा का फाइवर की गिग की एसईओ यानी कि फाइवर के रैंकिंग सिस्टम पर क्या असर पड़ता है, क्या उसका कोई फायदा होता है या नहीं, और अगर फायदा होता है तो हम कैसे फाइवर की इमेज का थंबनेल जो है उस पर मेटा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, कीवर्ड्स कैसे डालने हैं उस पर, टाइटल कैसे लिखना है, क्या फायदा होता है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें फिर चलते हैं अपनी इमेज पर और सीखते हैं कि कैसे हम थंबनेल का मेटा डेटा लिख सकते हैं फॉर फाइवर गिग। मान लेते हैं कि हमने फाइवर पर जो गिग बनाई है वो है वर्डप्रेस के रिलेटेड, तो अब हम देखते हैं कि उसका मेटा डेटा गिग की इमेज का क्या होता है और उसका फायदा क्या होता है। सबसे पहले ये देखें, ये है फाइवर की गिग की इमेज गैलरी। तो यहाँ पर जब हम अपनी पिक्चर को अपलोड करते हैं गिग की इमेज को, तो उसका फायदा होता है फाइवर को एसईओ करने में। तो चलें देखते हैं कैसे। इसके तकरीबन तीन तरीके होते हैं, तो सबसे पहले हम आसान तरीके से शुरू करेंगे ताकि आप आसानी से इसे कर सकें। सबसे पहले तो आपने जैसे ही अपनी गिग की इमेज के डिजाइन को बनाना है, जिस भी जगह पर बना रहे हैं, तो आपने उसके ऊपर जो वर्ड लिखते हैं उसको बोलते हैं मेटा डेटा। जैसा कि इस इमेज को देखने से आपको समझ लग जाती है, बिल्ड योर वर्ड प्रेस वेबसाइट, मतलब तो ये वर्ड प्रेस के रिलेटेड है। तो इसे देखने से हमें समझ लग जाती है कि ये वर्ड प्रेस के रिलेटेड है। अगर ये डाटा एंट्री के रिलेटेड होता तो यहाँ पर जो है ना वो डाटा एंट्री लिखा हुआ होता। तो इस तरीके से पहला नंबर ये होता है कि आपने अपनी गिग के इमेज के ऊपर लिखना होता है वो मेटा डेटा होता है, और इसके साथ यहाँ पर आपने इसका टाइटल लिखना होता है। टाइटल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मान लेते हैं कि हमारी ये वाली गिग है, तो हम बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट से शुरू करेंगे और यहाँ पर सारा ला करके इसका टाइटल हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी गिग का मेटा डेटा यहाँ पर पूरा आ गया है। तो अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की जानिब। इसमें आपने अपनी गिग की इमेज के ऊपर राइट क्लिक करनी है और यहाँ से क्लिक करना है प्रॉपर्टी के ऊपर। इसके बाद आपने सीधा डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना टाइटल पेस्ट कर देना है। इसके साथ यहाँ पर भी अपना टाइटल पेस्ट कर देना है। इसके साथ यहाँ पर आपने अपने टैग देने हैं। टैग 10, 20 भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दें, 10 से कम भी दें, 5, 7 दे दें तो बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बाद आपने अप्लाई करना और यहाँ से ओके कर देना है। तो आपकी गिग की इमेज का मेटा डेटा सक्सेसफुल लग जाता है। और अगर आपने टाइटल नहीं लिखा तो आप यहाँ पर भी अपनी गिग का टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल मस्ट है, इसमें आपने आई विल नहीं लिखना होता, इसके आगे का सारा वर्ड यहाँ पर रिपीट करना होता है। इसके साथ तीसरा और आखिरी तरीका ये होता है कि अगर आप अपनी तस्वीर को फोटोशॉप में डिज़ाइन करते हो, तो यहाँ पर आपको मेटा डेटा ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपने सीधा फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से करना है फाइल इन्फो। तो यहाँ पर फिर वही वाला हिसाब, सकते हैं पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फिर टैग्स, वही चीज़ जो आप अपने पीसी में कर सकते हैं। यहाँ पर आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग पेस्ट कर देने हैं, फिर इसके बाद कर देना है ओके, तो आपका मेटा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग मोबाइल पर हैं तो आप लोग अपनी पिक्चर को रीनेम करके उसका नेम तो एटलीस्ट लाजमी चेंज कर दें और अपने टाइटल से रखें। तो दूसरा फायदा ये होता है, जैसा कि ये देखें हमारी ये एक फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं तस्वीरें, इसके ऊपर हम करते हैं राइट क्लिक, अब हम करते हैं प्रॉपर्टी में, अब हम चलते हैं डिटेल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसका नेम लिखा हुआ है, क्या है, वायरल टैग्स फॉर फाइवर गिग, जैसा कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका मेटा डेटा ऐड किया है। अब यहाँ से इसको कॉपी करके जहाँ मर्जी पेस्ट करें, ये गूगल पर भी जाएगी, डाउनलोड होगी, फिर अपलोड होगी, तो इसका मेटा डेटा यही आएगा जो हमने डाल दिया है। तो फाइवर को एसईओ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जैसा कि यहाँ पर अगर कोई भी बंदा अपना कीवर्ड सर्च करेगा तो जो आपने मेटा डेटा में दिया होगा वही वाला कीवर्ड यहाँ भी अपीयर होगा। तो इस तरीके से आपकी गिग का जो मेटा डेटा है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फाइवर को आपकी गिग को रैंक करने में और उसको हेल्प करने में। लेकिन इसमें ज़्यादा आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, मतलब 10-12 टैग्स नहीं देने, सिर्फ 5-7 टैग देने हैं और टाइटल भी वही देना है जो आपने फाइबर पर रखा हो, मतलब आपने चीटिंग नहीं करनी, नहीं तो फाइबर आपको। तो इस तरीके से आप जो है ना वो अपनी गिग का मेटा डेटा ऐड कर सकते हैं और अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी गिग की इमेज को रैंक करने में और ऊपर देखने से भी बायर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि फाइबर पर टॉप 5 ऐसी गिग्स
जो बहुत ही ज़्यादा लो कंपटीशन हो, जिस पर आप आसानी से रैंक कर सकते हैं, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करें। तो इस बारे में कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।